नमस्ते, मेरा नाम विश्रामी है, गांव तलौने की हूँ, बदवा हूँ। एर मैं काम कर रही हूँ संस्था के मैं, बहुत अच्छा सीखा मैंने काम करया है। एर ये भी काम में है, मेरा मन है, रुचि है, मैं काम करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से काम करती हूँ, मेरा घर परिवार सभी चलाती हूँ। पहले मैंने तो पति आ जाते तो घर पर बाहर जाने नहीं देता, काम पर घर पर ही रहती, घर पर बच्चा बच्चे को संभालती, खेती को काम कर लेती, जाना नहीं देता काम पर ही। हमारा पति ये चुनाई का काम करता था, मुकाम का घर का काम करता, 3-4 साल से बीमार रहा उनको, बहुत दकया, बहुत लिया फरी, उसको तकलीफ होगी, पता नहीं क्या होया, बहुत डॉक्टर के पास बहुत गया, बहुत दिखाया, मेरी जानवा 3-4 साल तक दिखाया, पड़मा नहीं बचा पति। मेरा पति समय आया जद मेरा बार छोटा वाला लड़का है 4 महीने का, मेरी छोटी वाली लड़की ही 3 साल की, मेरा बच्चा वो है 7 वर्ष का, 6-7 वर्ष का हमारा बच्चा खत्म हो, इनका पिताजी मेरे आज 20 साल तो पति को हो गया, गुजर गया, तो 20 साल के मैं यहाँ बड़ा छोटा बच्चा, तो बड़ा हो गया बच्चा, उसको शादी भी होगी बच्चे की, बहू आई 2 साल है, तो बड़ा हो गया, हम मेरे कमाने वाला बच्चा हो गया, कमाने वाला, कलर का पेंटिंग का काम करता, किशन कट के मैं करंट आ गया मेरे बच्चे को, ये लाइट का काम करता, तो पता नहीं कैसे होया कैसे नहीं होया, करंट आ गया, ख़त्म हो गया किशन कट के मैं, तो बेटे ख़त्म हो गया, बहू का पेट में बच्चा 6 महीना, तो बहू परवरिश नहीं करी बच्चे की, वो 6 महीना का मैं पैदा हो गया, 6 महीने रखी मेरी बहू, वो दूसरी शादी कर ली, बहू छोड़ के चल गई बच्चा को, तो मैंने लाई मेरे पोते को, पोते को मैं पाल पोस के होशियार करिया, आज मेरे पोता 10 साल का है, बेटे ने 10 साल हो गया ख़त्म हुए, तो मैं काम करती हूँ संस्था में, हेडलूम चलाती हूँ, मैं पहली दरी बनाई, अभी ये कपड़ा बना रही हूँ, हेडलूम चला रही हूँ। शुरुआत मेरा संस्था में आई थी तो मैंने चूना भाटा का काम कराया था, 5 साल काम कराया मेरे को, पेड़ पौधे के मैं यहाँ कारखाना का काम, चूना भाटा का, मिस्त्रियों के पास काम कराया 5 साल तक, 5 साल के बाद के मैं यहाँ मैंने ट्रेनिंग आई थी यहाँ पर, तो हमने अरमाड़ा का चाचा जुहारदीन चाचा, मैं कारीगरा के करना काम करती थी, तो बोला आप ट्रेनिंग में जुड़ना चाहती हो कि, तो मैंने बोला मैं जानती नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं कैसे जुड़ूँ, तो फिर आपको कोई मेला मेरे को समझाई, भाई अनपढ़ तो है पर मैं सीख जाएगी काम के, तो मैं कारीगरियों को काम छोड़ दिया, मैं ट्रेनिंग में जुड़ गई, मैं 12 औरतें थी ट्रेनिंग में जुड़ी थी, 12 औरतें थी, फिर क्या 30 रुपया देता मैंने को तनखा, मैंने का 900 रुपया मजदूरी देता, एक चाय पर लाता मना, अब कैसे धागा को पोवा, कैसे कड़ी ना क्या जानती नहीं, रोती दिन भर, धंधा तो 12 औरतें कर लेती काम, हंसी मजाक से ये काम पास, पर मैं बोझ शाम का सर टेंशन होती, एक जीव ऐसे करता मेरा, आपको छोड़ दिया, आपको तो कारखाना पर चल जाओ, चूना भट्टा काम पर चल जाओ, फिर हूँ एक जीव करता तो आप ट्रेनिंग में छूट जाएंगे तो अपना चूना भट्टा पर फिरू नहीं लगाएगा, यहाँ डर पड़ता मेरे श्रीनाग में, तो मैं तो ऐसे नाम दर्द ये शेरा वाली माता श्री ये डूंगर के मैं उसको मैं अरदास हृदय में रखती, ये माता श्री तो मेरे दिमाग दे थोड़ा बहुत, मैंने काम सीखा, मैं काम कर सकूँ, मैं मेरी रुचि बढ़ा सकूँ, मेरा गुजारा मैं कर सकूँ, तो भैया बहुत मैंने से सीखा ये काम, मैंने देख लो तो हमने सीखा, 12 औरतें सीखी, खूंटियाँ गाड़ गाड़ के पंजा दरी बनाई हमने, इतने बड़े पंजा से ठोक के दरी बनाई, तो कती औरतें तो बोलती है हमारे समझना नहीं आते, हम तो छोड़ के जाएंगे, कोई करती उसका कमाने वाला जो सीखी नहीं, वो तो भाई देख लिया भाई ट्रेनिंग करके हम तो अपने घर जाएंगे, पर हम तो बदवाई 5-4 औरतें हैं, उसका पति छोड़ेड़ा, तो हम तो दिमाग लगा के सीखिया भाई हमने काम करना है, आप कहाँ जाना है, हमने को बच्चा बच्चा ना परवरिश करना है, फिर वो दरी को छोड़ा, तो फिर चाचा बोलिया भाई ये हेडलूम चलो, हेडलूम चला, तो हम बोलिया हेडलूम तो चलती नहीं है हमारे से, तो मना कर दिया, तो चाचा प्रेम से रह के अरमाड़ा, बहुत प्रेम से रह का, बूढ़ा है बुजुर्ग का, मेरे पिता शाह माना
वो आप बोले आप धीरे धीरे सब काम सीख जाओगी, ध्यान सब नॉलेज आ जाएगी, सब काम सीख जाओगी। तो हम दरी को तो छोड़ा और फिर हमने ये कॉटन बनावा ला गया, मशीन चला रही, बड़ी मशीन चला रहे, हेडलूम कपड़ा बनाता। ये आसपास एरिया में हेडलूम नहीं चलती है, ये पावलूम चलती है, लाइटों चलती है, बिजलियों चलती है, पर हम तो मेहनत से करते हैं आर उडन। पैर भी हालता है, हाथ भी हालता है, थकान तो आती है, पर हेडलूम का और एक पावलूम का कपड़ा में तो फर्क रहता है। हमारे को दो बार इनाम भी मिला सरकार की तरफ, वोट मिला, एक बार 22,000 रुपये मिले, एक बार दो बार मिले हमारे को पैसे मिले सरकार की तरफ। सुबह 9 बजे आ जाते हैं यहाँ पर, कभी कभी 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं, भाई घर का काम है, औरत है, करने वाला नहीं है, कोई कहीं काम हो जाता है, स्कूल जाता है, उसको टिफिन वगैरह में नहीं मानना पड़ता है, रोटी भी बनानी पड़ती है, पोछा बर्तन देना पड़ता है, खाना आना भी बनाना पड़ता है, कोई घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो मेरा काम मैं ही करती हूँ। शाम को कर खरा के फिर सुबह अपना नाश्ता रोटी वोटी को बना बना के 5-9 बजे काम पर आ जाते हैं, तो पूरा दिन काम करते हैं, दिन भर का लूम चलाते हैं, 1 घंटा लंच का मिलता है खाने का, फिर वो अपनी 1 बजे तक लूम चलाते हैं, लूम चलाने के बाद में फिर वो बॉबिन बनता है, तो उसको एक एक धागा को साड़ना पड़ता है, 2 लोग रहते हैं, 1 लोग अंदर रहता है, 1 लोग बाहर से पकड़ाता है, तो 2 लोग उसको तार बननी है, उसको सराई करते हैं, और ये एक भी धागा आगा पीछा हो जाता है तो ख़राब हो जाता, वो काम फिर पाची को देना पड़ते है, वो झलकी आती है, धागा आगा पीछे हो जाता तो चलते नहीं है मशीन, ऐसे झुंझुड़ बात। हाँ, भाई उसके कोई के पति है, उसका पति नहीं जाने देता, तो नहीं जाने तो औरत तो फिर पति का आगा जाप भी नहीं सकती है, ऐसे भाई का आपको क्या चाहिए, मैं कमा के लाती हूँ, आप बाहर क्यों जाती है, तो कौन सा लोग ऐसा भी है, कौन सा लोग ऐसा है भाई, पति औरत दोनों मजबूत से काम करें, अपना काम धंधा चलावा अच्छी तरह से, दोनों कमाएगा तो होरावड़ी आएगी, तो पीछे कमाए आएगा, और वो एक इंसान कमाएगा तो एक इंसान से क्या होता है, कर खर्चा चलेगा। मेरा लड़का फोटो खींच के लेता है, देखो मेरी मम्मी ऐसी लूम चलाती है, ऐसा काम करती है, तो मेरा परिवार बहुत खुशी करता है भाई के, ये संस्था के मैं बहुत अच्छी है, अनपढ़ मेरी लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा सीखिया काम।